ये हॉरर वीडियो है, इसलिए ईयरफोन लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाया है तो लगाओ ईयरफोन। अमेरिका के न्यूपोर्ट में एक महिला और एक उसका लड़का रहता है। एक सुबह लड़का गाना गुनगुना रहा होता है। वो गाना सुनते हुए उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आती है, पूछती है, अरे बेटा ये गाना कैसे गुनगुना रहे हो तुम, कहाँ से सुने? बेटा बोल रहा है कि माँ यही गाना तो सुबह दादी ने गा के मुझे उठाया था। माँ उसके शौक में चली गई। माँ बोली, बेटा दादी तो तुमसे पैदा होने से पहले ही मर गई, ये कैसे हो सकता है? और फिर माँ को याद आता है कि मेरा बेटा इतना स्पष्ट कैसे बोल रहा है, वो तो अभी 2 साल का है, वो तो मुश्किल से ही 2-4 शब्द बोल पाता था। ओ माय गॉड, इस पूरे संसार में जिस तरह भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठते हैं, कोई उन्हें मानता है कोई नहीं, इसी तरह भूत प्रेत और आत्माएं होती हैं या नहीं, इनके अस्तित्व पर भी सवाल उठते हैं। और भूत प्रेत आत्मा होती है या नहीं, ये तो वही बता सकता है जिसने कुछ ऐसा अनुभव किया हो। इस वीडियो में मैं आपको इतनी खतरनाक और इतनी हॉरर स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आपको भूतों से डर लगता है और आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को पूरा मत देखना, क्योंकि भूतों का अस्पताल जहाँ पे रात को खौफनाक आवाजें आती हैं और जिसके दीवार पर पक्षी यानी चिड़िया तक नहीं बैठते। मऊ के अस्पताल वाले भूत के बारे में ऐसा दावा किया जाता है कि ये कोई किस्सा नहीं बल्कि एक सच्चाई है। आज भी शाम होने पर गांव में बच्चों को अस्पताल वाले भूत से डराकर चुप कराया जाता है। लोगों का कहना है कि वहां से ऐसी आवाजें आती हैं कि गांव के लोगों का रात काटना मुश्किल हो जाता है। किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि कुछ लोग अस्पताल के अंदर जाएं और देखें कि असल में ये कराने की और ये खतरनाक आवाजें आती कहां से हैं। मऊ जिले के परधा ब्लॉक के अंतर्गत रैनी गांव में बना सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल आज भी खंडहर की तरह खड़ा है। इस अस्पताल का मंजर खंडहर और झाड़ियों की वजह से डरावना लगता है। इस रास्ते से कोई अकेले नहीं जाता, जब भी जाते हैं झुंड बना के जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अस्पताल के पास बहुत भीड़ है, रोने की आवाजें आती हैं अस्पताल से। लेकिन हैरान करने की बात तो ये है कि जब वो अस्पताल के पास जाते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं दिखता और अस्पताल की दीवारों पे एक चिड़िया तक नहीं बैठती। आधी रात को उल्लुओं की रोने की आवाजें आती हैं और लोगों का ये भी कहना है कि वो आवाज इतनी तेज होती है कि जैसे पिघला हुआ शीशा किसी के कान में डाल दिया हो। गांव के रहने वाले 75 साल के केदार बताते हैं कि अस्पताल ग्रामीणों को इलाज की सुविधा के लिए बनाया गया था, पर क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं बल्कि मुर्दों का इलाज होगा। केदार बताते हैं कि इस गांव में रहने वाले 2 पटदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई जिसमें एक की मौत इलाज के अभाव में हो गई। और डराने वाली बात ये है कि उस व्यक्ति को इसके कुछ दिनों बाद इसी गांव में इसी स्थान पर देखे जाने की बात कही जा रही है। वहां के लोग कहते हैं कि वो किसी से बात नहीं करते थे, बस बचाओ बचाओ की आवाजें आती है। 1982 में जब ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ उसके कुछ दिन बाद से अस्पताल में से टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। पहले तो लोग इसको सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन बाद में ये बढ़ता गया और लोग इससे डरते गए। रोमानिया देश के डिसेबल होटल में रहता है भूत। जी हाँ, डिसेबल होटल रोमानिया देश का सबसे जाना माना और पुराना होटल है। कहा जाता है कि ये होटल जमीन में गड़े एक खजाने के ऊपर बनाया गया है
और माना जाता है कि एक काले कलर का कपड़ा पहने एक औरत इस खजाने की देखभाल करती है। एक औरत विक्टोरिया इवोन ने 2008 में अपनी आंखों से इस औरत को रात के 12 बजे होटल के एक कोने में खड़े देखा था। अमेरिका के न्यूपोर्ट में एक महिला और एक उसका लड़का रहता है। एक सुबह लड़का गाना गुनगुना रहा होता है। वो गाना सुनते हुए उसकी माँ दौड़ते हुए उसके पास आती है। पूछती, अरे बेटा ये गाना कैसे गुनगुना रहे हो तुम, कहाँ से सुने? बेटा बोल रहा है कि माँ यही गाना तो सुबह दादी ने गा के मुझे उठाया था। माँ उसके शौक में चली गई। माँ बोली, बेटा दादी तो तुमसे पैदा होने से पहले ही मर गई, ये कैसे हो सकता है? और फिर माँ को याद आता है कि मेरा बेटा इतना स्पष्ट कैसे बोल रहा है, वो तो अभी 2 साल का है, वो तो मुश्किल से ही 2-4 शब्द बोल पाता था। उस लड़के का नाम लुका है और उसकी माँ का नाम ट्रिकिया जॉर्डन। एक बार लुका और उसकी माँ गाड़ी से कहीं जा रहे थे। उस समय लुका 4 साल का हो गया था, तो रास्ते में उसको एक घर दिखा, तो उसने बोला, माँ गाड़ी रोको। लुका ने अपनी माँ से बोला, माँ उस घर में एक मार्टिन नाम का आदमी रहता था, उसकी मौत आग लगने से हो गई। और हैरानी की बात यह है कि उस लड़के ने बोला कि माँ वो आदमी आज भी उसी घर में रहता है। इतना सुनते ही माँ तो थर थर कांपने लगी और गाड़ी तेज कर आगे बढ़ गई। मार्टिन वाली घटना ने तो ट्रिकिया को एकदम हिला के रख दिया था। इसकी सच्चाई जानने के लिए मार्टिन ने जनगणना रिपोर्ट की जांच की और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की, तो उसको ये पता चला कि हाँ उस घर में एक आदमी रहता था जिसका नाम मार्टिन है और उसकी मौत सच में आग लगने से ही हुई थी। ट्रिकिया बताती हैं कि अब उनको भी इस बात का पूरी तरह विश्वास हो चुका है कि उनका बेटा लुका मरे हुए लोगों को देख सकता है, उनसे बात कर सकता है, क्योंकि उसके पास कुछ अद्भुत शक्तियां हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाता है। दुनिया का सबसे सुरक्षित जगह माना जाने वाला अमेरिका का व्हाइट हाउस, उसमें भी एक भूत रहता है। जी हाँ, कुछ लोगों का दावा है कि अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का भूत व्हाइट हाउस में आज भी रहता है और वो अक्सर व्हाइट हाउस में देखे जाते हैं। अब्राहम लिंकन की अप्रैल 1865 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तभी से उनकी आत्मा यहाँ पर दिखाई देती है। राष्ट्रपति ग्रेस कुलीस की वाइफ कैल्विन कुलीस का कहना है कि वो एक दिन अब्राहम लिंकन की हत्या पर बना टेलीविजन प्रोग्राम देख रही थी कि तभी उन्हें अब्राहम लिंकन व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस की खिड़की के पास खड़े हुए दिखाई दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाग भाई भाग, अरे आप लोग भी निकल जाओ, खतरा बढ़ रहा है।